गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, माय सेल्फ डॉक्टर प्रणीता सैनी। आज हम बी एड फर्स्ट ईयर के चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप पेपर के अंतर्गत व्यक्तिक अध्ययन के दोष या सीमाओं की स्टडी करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में हमने व्यक्तिक संप्रेषण की डिटेल में स्टडी की है। आप सबसे पहले उन वीडियोज को देखिएगा, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा। अब है व्यक्तिक अध्ययन के व्यक्तिक अध्ययन के दोष या सीमाएं। तो व्यक्तिक अध्ययन के दोष या सीमाओं को हम कुछ बिंदुओं में स्पष्ट कर सकते हैं। तो पहले हम इसके पॉइंट्स लिख लेते हैं और इन पॉइंट्स के आधार पे ही हम क्या करेंगे, बाद में इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहला है अनुसंधान पर अति विश्वास। अनुसंधान पर अति विश्वास। सेकंड इसके अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो दोषपूर्ण रिकॉर्ड। थर्ड हम जब बात करते हैं इसमें पॉइंट्स की तो पक्षपात एवं मिथ्या झुकाव की संभावना। फोर्थ अगर हम बात करें इसमें तो अप्रामाणिक तथ्य, अप्रामाणिक तथ्य। टेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो निर्देशन निदर्शन, सॉरी निदर्शन प्रणाली का अभाव नेक्स्ट पॉइंट है अस्पष्ट एवं अवैज्ञानिक विधि। और एट द लास्ट अगर इसका पॉइंट हम लेते हैं दोष या सीमाओं का तो वो है केवल केवल कुछ ही इकाइयों को आधार केवल कुछ ही इकाइयों के आधार पर निष्कर्ष। तो इन सब बिंदुओं को हम अब एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले है कि अनुसंधान विधि पर ही अति विश्वास। तो इस पॉइंट्स के आधार पर है कि हम केवल रिसर्च कर रहे हैं, हम केस स्टडी कर रहे हैं। तो केस स्टडी नाम से ही, जैसे आजकल जो अगर रिसर्च की हम बात करें तो उसमें केस स्टडी पे ही ज़्यादा फोकस किया जाता है या एक्सपेरिमेंटल मेथड पे किया जाता है। तो केवल इसी फोकस पर कि हम केस स्टडी कर रहे हैं, हम रिसर्च कर रहे हैं, एक मतलब अपने आप में ओवर कॉन्फिडेंस वाली बात होती है, तो इस पर ही अति विश्वास किया जाता है। तो जो भी हमारे सामने डेटा या एविडेंस आते हैं हम उन पर विश्वास कर लेते हैं क्योंकि हम रिसर्च कर रहे हैं। तो ये इसका एक ड्रॉबैक है। सेकंड आता है कि जो भी रिकॉर्ड हमें प्राप्त होते हैं ये सारे रिकॉर्ड क्या होते हैं, दोषपूर्ण होते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति से रिलेटेड अगर हम बात करें तो जो भी हम रिकॉर्ड चाहे संस्थान के द्वारा डेवलप किए जा रहे हों और व्यक्ति के द्वारा बताए जा रहे हों वो दोषपूर्ण रिकॉर्ड होते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति अपने
प्रॉब्लम्स जिस पर रिसर्चर केस स्टडी कर रहा है या तो उसके संबंध में जो भी फाइंडिंग्स वो जानना चाहता है, चाहे इंटरव्यू ले रहा है, चाहे कुछ भी कर रहा है, तो उससे जो भी रिकॉर्ड की प्राप्ति होती है वो दोषपूर्ण होती है अधिकांशतः, क्योंकि हर व्यक्ति या हर संस्थान अपना एक अच्छा ही रिकॉर्ड रिसर्चर को बताती है। नेक्स्ट आता है इसके अंतर्गत जो पक्षपात और मिथ्या झुकाव की संभावना, क्योंकि जब रिसर्चर इसमें इन्वॉल्व होता है, केस स्टडी करता है, तो जो भी अपने थॉट्स या अपने फीलिंग्स या अपने व्यक्तिगत ओपिनियन को भी इसमें मिला देता है। और व्यक्ति के संदर्भ में अगर हम इस केस स्टडी कर रहे हैं, तो दूसरे व्यक्ति से जब हम इस बारे में बात करते हैं, उसकी व्यक्तिगत प्रॉब्लम के बारे में या उसकी पर्सनैलिटी के बारे में, तो व्यक्ति अपने हिसाब से ही तोड़ मरोड़ करके बातों को रखने करते हैं, तो ये भी पक्षपात होता है। और अगर जिसका फेवरेट अगर कोई है, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में जब हम स्टडी कर रहे हैं, तो उसका मिथ्या झुकाव की संभावना अधिक होती है। नेक्स्ट आता है कि इसमें जो भी डेटा हमें मिलते हैं या जो भी फैक्ट्स हमें मिलते हैं वो अप्रमाणिक होते हैं, यानी ऑथराइज नहीं होते, या किसी संस्था या ऑथराइज जो अधिकारी है उसके द्वारा जो तथ्य हम बात करते हैं वो नहीं प्राप्त होते हैं। हम एक आम सूचना है जो कि व्यक्ति की पर्सनैलिटी के संबंध में है या उसके कोई भी प्रॉब्लम के संबंध में या किसी इंस्टीट्यूशन के डेवलपमेंट्री आस्पेक्ट को लेकर के हम ले रहे हैं, तो उस पर जो भी रिकॉर्ड हमें प्राप्त हुए हैं वो पर्टिकुलर ओपिनियंस होते हैं, वो ऑथराइज प्रमाणिक नहीं होते। नेक्स्ट इसमें आता है, इसमें सैंपलिंग, निदर्शन का मतलब होता है सैंपल, तो इसमें जो सैंपल होता है वो सैंपल नहीं दिया जाता, क्योंकि इसमें हम एक व्यक्ति, एक संस्थान, एक जाति की ही स्टडी करते हैं, तो उसमें पूरी जाति के लोगों को ही लेते हैं, उसमें पर्टिकुलर ये नहीं कि ये पूरी जाति की जो है 100 जनसंख्या उसमें से कोई 10 व्यक्तियों से हम ले करके हम हमारे डेटा कलेक्ट कर लें, ऐसा नहीं है, इसमें पूरी ही लोगों को इसमें सम्मिलित किया जाता है, तो इसमें निदर्शन यानी सैंपल कलेक्ट नहीं किए जाते या सैंपल से इंफॉर्मेशन नहीं ली जाती है। नेक्स्ट है कि इसके अंतर्गत जो भी हम एविडेंस हम ले रहे हैं और हम इसके ऊपर जो भी केस स्टडी कर रहे हैं, तो उसमें जो भी हमें फाइंडिंग्स प्राप्त हो रही हैं, जो फैक्ट्स प्राप्त हो रहे हैं, वो अस्पष्ट होते हैं, अवैज्ञानिक विधि से हम कलेक्ट करते हैं, कि जिससे भी रिलेटेड व्यक्ति, चाहे हम डायरी से कलेक्ट कर रहे हैं, आत्मगाथा में हर व्यक्ति अपने पॉजिटिव आस्पेक्ट को ज़्यादा लिखता है, नेगेटिव आस्पेक्ट को कम शो करता है, तो जो भी क्लियरिटी नहीं होती, कभी कभी कुछ तथ्य छुपा दिए भी जाते हैं केस स्टडी में, तो इस प्रकार से अस्पष्ट होते हैं, मनोवैज्ञानिक तरीके से हम उन तथ्यों को कलेक्ट करते हैं। और एट द लास्ट है कि केवल कुछ ही इकाइयों के आधार पर हम निष्कर्ष निकाल देते हैं, यानी एक व्यक्ति की अगर केस स्टडी करें उसके पर्सनैलिटी ट्रेड्स को लेकर के, यानी गुण विशेषताओं को लेकर के, हम उसके बारे में उसकी पर्सनैलिटी को लेकर के जो भी समस्या है हम उसकी स्टडी कर रहे हैं, तो केवल कुछ ही फैक्ट्स या यूनिट्स के आधार पर हम क्या करते हैं, निष्कर्ष निकाल देते हैं, तो ये भी इस केस स्टडी के ड्रॉबैक्स हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने केस स्टडी की दोष और सीमाओं की स्टडी की, तो आज हमारे इस वीडियो के अंतर्गत केस स्टडी कंप्लीट होती है, जो पर्सनैलिटी के मेजरमेंट की एक विधि है, कि पर्सनैलिटी का जो मापन है उसमें यह है नॉन प्रोजेक्टिव मेथड के अंतर्गत आती है, तो नॉन प्रोजेक्टिव मेथड के अंदर आज हमने केस स्टडी को कंप्लीट स्टडी किया है। अब आज का असाइनमेंट इस प्रकार से है, इस असाइनमेंट में आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है कि व्यक्तिक अध्ययन के दोष या सीमाएं बताइए। तो इस वीडियो में बताए गए एक्सप्लेनेशंस के आधार पे, पॉइंट्स के आधार पर आप व्यक्तिगत अध्ययन के दोष या सीमाओं को स्पष्ट कीजिएगा। साथ ही आप इस कोरोना महामारी के दौर में आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, राज्य सरकार द्वारा जारी जो भी गाइडलाइन है उसका पूर्ण रूप से पालन कीजिए। अपने सोशल मीडिया ग्रुप के अंदर यानी संपर्क में आने वाले लोगों को भी आप कोरोना वायरस से बचाव हेतु अवेयर कीजिए, उन्हें जागरूक कीजिए, क्योंकि सुरक्षा ही बचाव है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो थैंक यू।